आज की वीडियो में हम अपने इस प्रीमिक्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना, एंड आज के वीडियो में आपको मैं बिना किसी एल्गोरिदम के इसको सॉल्व करना बताऊंगी। सो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पहले पता कर लेते हैं। सो इसमें आपको तो पहले मैं प्रेफर करूँगी कि आप अपने साथ अपना प्रीमिक्स लेकर बैठें। ओके, सो देखिए इसमें होते हैं टोटल 4 फेसेस, 1, 2, 3 and 4। ओके, एंड इसमें होते हैं कॉर्नर पीसेस जिसको मैंने अभी इसको जो मैंने अभी मोड़ के दिखाया है उन्हें बोलते हैं कॉर्नर पीसेस। ओके, इनका कोई ज़्यादा अच्छा रोल नहीं होता, बस इन्हें सॉल्व कर मतलब इसको खाली इनके इस जगह पे ही इनके सेंटर पीसेस का के साथ मैच करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि सेंटर पीसेस कहाँ हैं। तो ये एंड ये तीन है सेंटर पीसेस। सेंटर पीसेस तीन होते हैं। वैसे हमें पता है कि रूबिक क्यूब में एक ही सेंटर पीस होता है जो होता है ये, लेकिन हमारे पिरामिड्स में होते हैं तीन सेंटर पीसेस, ये एंड ये। ओके, एंड इसमें होते हैं तीन सेंटर पीसेस एंड तीन एच पीसेस। सो कौन से एच पीसेस होते हैं? 1, 2 and 3। आपको पता ही है कि एच पीसेस में क्या होता है, दो कलर्स होते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं येलो एंड रेड, येलो एंड ब्लू, येलो एंड ग्रीन। एंड सेंटर पीसेस के साथ कोई भी कलर नहीं होता है। एंड कॉर्नर पीसेस के साथ तीन कलर होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं येलो, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, सो तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया, हमने इसके बारे में समझ लिया है कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हम इसे सॉल्व करना जानेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको पूरा जंबल कर लेती हूँ, इसे पूरा स्क्रैम्बल कर लेते हैं। आप अपना क्यूब अपने साथ लेकर बैठिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो मैंने इसको पूरा जंबल कर लिया है, इसके कॉर्नर को भी हम जंबल कर लेते हैं। ओके, सो ये पूरा जंबल हो चुका है। ओके, सो अब हम इसमें बिना किसी एल्गोरिथम के इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। सो ये बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, इसलिए प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कि हमारे चैनल में ऐसे अमेजिंग वीडियोस आते रहते हैं। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हमें निकालना है कि सही सेंटर पीस कौन सा है। ओके, तो पहले कि इसमें सही पीस सेंटर पीस का पार्ट्स कहाँ लगेंगे सही से, पहले हमें ये पता करना है। तो पहले हम ऐसे एक पहले ग्रीन का सेंटर पीस ले लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया सेंटर पीस इसको कहा जाता है, ऐसे तीन होते हैं, ठीक है। तो हमने इसको ले लिया है। अब आपको लेफ्ट एंड राइट साइड 2 times घुमाना है, 1, 2 आपको ऐसे लाना है, ठीक है। ऐसे एक और तीन सेंटर पीस होते हैं, तो हमें तीनों को एक साथ सेंटर पीस लाने हैं। तो एक बार में तो ये दूसरी बार मतलब 2 times से आपको पता चल जाएगा। तो हमारा लेफ्ट साइड का कंप्लीट हो चुका है, राइट साइड का देखते हैं, 1, 2। तो मतलब ये गलत है, क्योंकि हमारे दोनों साइड आने चाहिए। ये लेफ्ट साइड तो आ गया, बट राइट साइड हमारा सेंटर पीस नहीं आया, हमें सिर्फ 2 times घुमा के चेक करना है। तो मतलब ये गलत है, तो हम सेकेंड लेयर को ऐसे घुमाएंगे इस साइड एंड देन 1, 2 ये इधर आ गया है राइट हैंड साइड में। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, मतलब हमें दोनों साइड में लाना है, 1, 2 ये भी मतलब गलत है। अब चलती हैं इस साइड में, 1, 1 में ही आ गया। अब लेफ्ट साइड देखते हैं, 1, तो मतलब ये है हमारा सही सेंटर पीस। तो अब हमें कॉर्नर पीसेस को ज्वाइन करना है। कॉर्नर पीस सिंपली, कॉर्नर पीस को ज्वाइन करने से पहले आपको अपने जो आपने इसको सॉल्व किया इसके साइड वाला देखिए, आपका हो सकता है कि ऐसे हो, तो आपको एक ही बार में या दो बार में आपका आ जाएगा, तब फिर आप देखेंगे आपका सबका ऐसे क्रॉस बन चुका है। ओके, हमने ग्रीन का बनाया था, अब हमें बस इनके कॉर्नर पीसेस सही से लगाने हैं। जैसे ये ग्रीन है, तो ग्रीन का हमने इसका कॉर्नर पीस को इसके साथ लगा दिया, साइड वाले के ग्रीन को लगा दिया, इसके भी ग्रीन वाले को लगा दिया, एंड पीछे जो एक होता है उसको हमने ये रेड येलो येलो एंड ब्लू के साथ मैच कर दिया है। तो अब बस हमारा आधा काम तो हो चुका है, अब हमें बस फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर को सॉल्व करना है। तो हम रेड को नीचे रख देते हैं, आप कोई भी कलर को रख सकते हैं, लेकिन मैं भी रेड को रख रही हूँ। ओके, तो रेड को मैंने रख दिया है नीचे। अब आपको इनके सही सही एच पीसेस लगाने, क्योंकि हमारा सेंटर पीस एंड कॉर्नर पीस तो सही से लग चुका है, तो क्या बचा, हमें सिर्फ अभी अपना एच पीस सही से लगाना है। तो आप देख सकते हैं हमारा रेड एंड ग्रीन हमें यहाँ चाहिए, क्योंकि यहाँ रेड है एंड यहाँ ग्रीन है, मतलब यहाँ पे कौन सा आएगा, रेड एंड ग्रीन वाला।
तो रेड एंड ग्रीन वाला यहाँ है। अगर हम ऊपर वाले लेयर को ही 1 और 2 टाइम्स में लाए और फिर यहाँ पे लगाना चाहे तो ये उस पीछे चला जा रहा है। तो आपका एक चीज़ याद रखनी है कि अगर ऐसे केस में कि आपका यहाँ पे ही है आपका बेस एंड उसी का कलर यहाँ पे आ रहा है, आपको शो हो रहा है, तो आपको क्या करना है इसमें, आपका अगर लेफ्ट साइड है तो आपको उसको राइट साइड टर्न करना है, एंड राइट साइड है तो उसको लेफ्ट साइड टर्न करना है। तो मेरा भी कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो मैंने इसको राइट साइड टर्न किया। फिर हमारा जो था उसको हमने अप किया जहाँ पे इसको लगाना है, तो हम ये वाला थोड़ा ना अप करेंगे क्योंकि हमें रेड एंड ग्रीन कलर चाहिए, तो हमने इसको इधर अप किया, फिर यहाँ लगा दिया एंड नीचे। अब हमारा रेड एंड ग्रीन लग चुका है सही से। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार बैक करके चेक कर लीजिए, फिर रुकिए मैं आपको पहले फिर से बता देती हूँ। हमारा ऐसे था पोजीशन इसका। तो हमने इसको क्या किया, लेफ्ट साइड में तो हमने इसको राइट साइड टर्न किया, फिर इसको हमने अप किया, नीचे रेड लेयर को हमने ऐसे अप किया, इधर लगाया एंड नीचे कर दिया, हमारा ग्रीन का हो गया एंड ग्रीन रेड लग चुका है हमारा। अब ये हमें ब्लू और रेड चाहिए, तो रेड को हमें बॉटम में रखना है। अब हमें ब्लू और रेड चाहिए, तो हम देख लेते हैं ब्लू और रेड है कहाँ, ये इधर है और हमारा रेड बेस इधर है। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया कि अगर हमारे फ्रंट में दिखे तभी आपको उसे साइड करना है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, लेकिन हमारा तो ये इस साइड है, तो हम क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट साइड को अप करेंगे एंड देन यहाँ पे इसको जॉइंट कर देंगे एंड डाउन। अब आप देख सकते हैं हमारा ब्लू भी लग चुका है और ग्रीन भी लग चुका है, बस क्या बचा है येल्लो। एंड ऐसे केस में जिसमें आपको देखिए कि हमारा बस उल्टा लग गया, फ्लिप हो गया, यहाँ रेड है एंड यहाँ येल्लो है, लेकिन हमारा रेड येल्लो उल्टा ही लग चुका है, तो हमें इसमें क्या करना है, पहले इसको कोई भी आप राइट साइड वाले उठा सकते हैं, रेड लेफ्ट साइड, आप मैंने अभी जैसे लेफ्ट साइड का उठाया है, तो लेफ्ट साइड को हमने अप किया, देन इसको हमने इसे साइड कर दिया एंड इसे नीचे कर दिया। आप देख सकते हैं आप, हमें वही केस मिल चुका है वापस, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। तो पिछले बार में क्या था, लेफ्ट टू मैंने राइट टर्न किया था, बट इस बार राइट साइड है तो हम इसको कहाँ करेंगे, लेफ्ट साइड टर्न किया, फिर इसे अप किया, जॉइन किया एंड डाउन, हमारा फर्स्ट लेयर कम्प्लीट। रुकिए ये कॉर्नर पीस बिगड़ गया। तो हमारा फर्स्ट लेयर हो चुका है कम्प्लीट, आप देख सकते हैं, एंड रेड भी हमारा एकदम परफेक्टली बन चुका है। सो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार फिर से बैक करके देख सकते हैं। तो ये हो गया है हमारा फर्स्ट लेयर कम्प्लीट। एंड अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके लाइक कर दीजिए। और अभी हम चलते हैं अपने सेकेंड लेयर को सॉल्व करने। तो सेकेंड लेयर सॉल्व करने के लिए इसमें कोई एल्गोरिथम मैं नहीं बता रही हूँ, नहीं तो एल्गोरिथम लगाएंगे तो हमारा इजीली हो जाएगा, बट विदाउट एल्गोरिथम के लिए वीडियो है, तो चलिए हम बिना एल्गोरिथम के करते हैं। तो हमने रेड सॉल्व कर दिया, बेस में आपको फिर सेकेंड लेयर को सॉल्व करने के लिए आपको सेकेंड जो आपका बेस है उसको नीचे के साइड रखना है। ओके, मतलब रेड के जगह आप ब्लू को रखिए, येल्लो को रखिए, नीचे ग्रीन को रखिए, आपकी मर्जी है। तो मैं अभी ब्लू को रख देती हूँ। ओके, तो मैंने ब्लू को नीचे रख दिया है एंड अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ब्लू एंड ग्रीन। तो ब्लू एंड ग्रीन तो इस साइड फ्लिप हो, इस साइड आ चुका है, तो हम पहले ब्लू एंड येलो लगा देते हैं, फिर वो ग्रीन ऑटोमेटिकली हट जाएगा उधर से, तो हम इधर लगा देंगे। ठीक है, तो ब्लू हमारा नीचे है, येलो ऊपर, तो येलो यहाँ है, तो ये इस साइड आएगा, कहाँ आएगा, लेफ्ट से राइट ही तो आएगा टर्न होके, तो इस साइड आ रहा है। तो अगर हम अगर अपने इस क्यूब को ऐसे उठा के यहाँ पे ऐसे लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नीचे ब्लू चला जाएगा, फिर ये उल्टा हो जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको वही वाला फिर से आपको दिख रहा है, लेफ्ट टू राइट टर्न करना है, लेफ्ट टू राइट टर्न किया, जिस साइड टर्न किया उसको अपोजिट साइड अप करना है, वहाँ पे उसको वापस लगाना है एंड नीचे डाउन कर देना है। ओके, आपका ब्लू एंड येलो लग चुका है। अब हमारा ब्लू एंड ग्रीन रह चुका है। सो ब्लू एंड ग्रीन, ये रहा हमारा ब्लू एंड ये रहा हमारा ग्रीन। तो अगर हम इसको इसके राइट साइड को अप करें एंड इसको यहाँ पे लगाएं एंड नीचे डाउन कर दें तो हमारा ग्रीन बन जाएगा, और फिर बस हमारा सेकेंड लेयर को हमें बस एक बार टर्न करना है एंड हमारा पूरा पिरामिड्स कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में ऐसे अमेजिंग वीडियोस आती रहती है। सो प्लीज़ गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।